जहाँ से भारतीय सनातन संस्कृति के मूल विचार जहाँ से आरंभ हुए थे, कश्मीर, जहाँ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो आचार्य आज्ञा देता है वटुक को, ब्रह्मचारी को, क्या आज्ञा देता है? आज्ञा देता है काशीम गच्छ, काशी पढ़ने के लिए जाओ। और महाराज जी, काशी के विद्वान जब अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करते थे तो आचार्य आज्ञा देता था काश्मीरम गच्छ, काशी के विद्वान अपनी संतान को कश्मीर पढ़ने के लिए भेजते थे। व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता महापंडित कैयट काश्मीरी थे, कश्मीर के थे। कैयट, मम्मट, उब्बट, महीधर, ये सब एक से एक प्रकांड विद्वान, सब कश्मीर की धरती पर पैदा हुए। और उस कश्मीर की क्या दुर्दशा थी, कभी कोई सोच सकता था कि 370 हटेगी, 35 धारा हटेगी और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान वहां होगा, लोग सुख की चैन की सांस लेकर अमरनाथ जी का दर्शन करने जा सकेंगे, लोग सोच सकते थे? अभी सर्वोच्च न्यायालय में भी लोगों ने कहा था कि ये गलत है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन किया है, बहुत अच्छी बात है, हम प्रशंसा करते हैं उनके इस कदम की। और अब ये सुनिश्चित हो गया कि पूरे संसार की कोई ताकत कश्मीर को हमसे लेने की बात तो क्या चले, टेढ़ी नजर से कश्मीर को कोई नहीं देख सकता। और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भी पाक का नहीं, वो भी हमारा है, आज नहीं तो कल हमारा ही होकर रहेगा। और हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब 47 के पहले वाला जो अखंड भारत था वह अखंड, हम बहुत दूर की बात नहीं कहते, हमारे पूज्य वेश प्रदाता गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे कहते थे पैदल तिब्बत तक गए, वो तिब्बत तक पैदल गए, बर्मा, तिब्बत सब भारत में थे, बर्मा तक पैदल गए, तिब्बत तक पैदल गए, अफगानिस्तान तक पैदल गए। और महाराज जी कहते थे अफगानिस्तान की चर्चा सुनाते थे, बोले वहां हिंदू भी थे अफगानिस्तान में, क्षत्रिय थे, हिंदू थे, हिंदू तो संतों की सेवा करते थे, उस समय के अफगानिस्तान के जो अफगानी मुसलमान थे वो भी, महाराज जी कहते थे कि हम त्यागी तपस्वियों को देखकर उनके घरों की स्त्रियां पुरुष पैर से जूते निकाल कर खड़े हो जाते थे, फकीर बाबा कनक माने आटा ले लो, चपाती बना लो, भिक्षा ले लो, वो भी आग्रह करते थे और कहते थे कि आप हमारा अन्न नहीं खा सकते तो हमारे घर की गाय का दूध ले लो। वो समय देखा है, संतों को मेवा देते थे, आज भारत माँ कहाँ, कोई समय था मान सरोवर महान तीर्थ कैलाश मान सरोवर भारत में था, लेकिन आज दुर्भाग्य से भारत की धरती में वो नहीं है। भगवान कृपा करें अखंड भारत हो और जैसा उत्तम देश प्रगति के पथ पर चल रहा है ऐसा ही उत्तम शासन आगे बढ़ता चला जाएगा तो हम विश्वास करते हैं एक दिन ऐसा सुविधन आएगा कि भारत अखंड होगा। लेकिन ये सब बातें ठीक ठीक होने के बाद भी फिर भी हम ये बात कहेंगे कि आपकी सारी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं, अच्छी से अच्छी हैं, लेकिन इन सब अच्छाइयों पर सच्ची और पक्की मुहर तभी लगेगी जब आपके ही शासन काल में भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। यदि गोवध के कलंक से आपके शासन काल में धरती मुक्त नहीं हुई तो हम समझेंगे कि अभी खीर तो बनी है पर उसमें मिश्री नहीं पड़ी है, उसमें मीठा नहीं डाला गया, खीर तो बन गई
पर भैया बनी बनाई खीर में मिश्री तब पड़ेगी, घी तब पड़ेगा जब यह भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। जिनके गोबर में लक्ष्मी का निवास हो, जिनके मूत्र में साक्षात भगवती गंगा का निवास हो, जिनका पंचगव्य संपूर्ण पापों का नाशक हो, उस गाय की महिमा कौन कह सकता है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्नि रेवेंधनम्। जैसे सूखे ईंधन को अग्नि जलाकर भस्म करती है, ऐसे ही पंचगव्य की एक बूंद भी सारे शरीर के पापों को जलाकर तत्काल भस्म कर देती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।